क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच केस. यहाँ पे टू केसेस दिए यहाँ पे, और फाइंड द अमाउंट, आपको अमाउंट निकालना है. मीन्स आपको अमाउंट निकालना मीन्स ये है, यहाँ पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वो होता है जैसे हम किसी को कोई मनी हम बैंक में जमा करते हैं, फिक्स करते हैं हम बैंक में, उसके बाद वो बैंक हमको इंटरेस्ट देती है. इंटरेस्ट जैसे देख कोई बैंक देती है 2% देती है, 3% देती है, 4% देती है पर एनम. पर एनम मतलब एक साल में. जैसे आपने अपनी फ्रेंड को मनी उधार दी, मनी दी आपने उसको, जैसे 5000 मनी दी है आपने, अब वो एक साल बाद वो उतना को उतना वापस तो नहीं करेगी कि 5000 रिटर्न कर दी. वो क्या करेगी, इस बार आपने कहा हमने इंटरेस्ट लगाएंगे, हम इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट मीन इंटरेस्ट लगाएंगे, तो इंटरेस्ट लगाने के लिए हमने बोला हम 2% इंटरेस्ट लगाएंगे एक साल में. तो हम क्या बोला जाता है, 12% रेट, क्या बोला जाता है उसको, रेट 2% पे हमने उसे मनी उसको उसको हमने उधार दी उसको. ठीक है, तो प्रिंसिपल होता है वो पैसा होता है जो हम किसी को देते हैं. प्रिंसिपल को कैसे भी शो करते हैं, पी से शो कर सकते हैं. और जो आपका एट द 20% पर एनम, एट द 20% पर एनम लिखा है, मीन्स ये आपकी रेट है, ये कितना आपकी रेट है. तो प्रिंसिपल जो हमने पैसे दिए हैं किसी को, उसके बाद हमारा जो प्रिंसिपल हमारे इस पैसे पे जो हमारा हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो किस रेट पे मिलेगा, कि 20% हर साल का हमें 20% इंक्रीज, 12% इंक्रीज होके मिलेगा. मतलब 1200 का 12% इंक्रीज होके फिर वो 1200 में ऐड होगा और वो हमको पैसा मिलेगा. तो वो कितने साल तक करना है, वो 3 ईयर्स तक करता है. तो आपकी जो स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे ये पूरी दी है कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 1200 एट द 12% पर एनम, तो आपको निकालना है एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस कितना अमाउंट आपको लास्ट में मिलेगा. तो यहाँ पर गिवन क्या क्या है आपको, फर्स्ट पार्ट में ए का सॉल्यूशन गिवन, गिवन है आपको प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन्स जो अमाउंट हम किसी को देते हैं. ठीक है, किसी को पैसा बैंक में जमा करें या हम किसी को दे रहे हैं उसको, तो वो होता है हमारा प्रिंसिपल रुपीज 1000. हम किसी को क्रेडिट देते हैं, जैसे कि हाँ कि आपको हमें उधार दिया, क्रेडिट दिया उसको, और हमारा जो रेट है आर, वो हमारी रेट किस दर से हम इंटरेस्ट लगेगा उस पर, हमारा 12% पर एन, मतलब एक साल का, एक साल का कितना लगेगा 12% आपको उस पर जो इंटरेस्ट आपका लगेगा. ठीक है, यहाँ पे टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम कितना है 3 साल का, टाइम आपका है 3 ईयर्स. ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इसका अमाउंट फाइंड आउट करना है कि टोटल आपको कितना आपको अमाउंट मिलेगा. तो हमें पता है, वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट. सबसे पहले तो हम अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा, इंटरेस्ट हमारा 12% के हिसाब से हमें 1200 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा. तो इसका रूल होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100. ये रूल है सिंपल इंटरेस्ट का, किसका, सिंपल इंटरेस्ट का. सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल को हम पी से शो करेंगे, आर को रेट को आर से शो हुआ और टाइम हमारा टी से शो हुआ. अब अपॉन 100, आपका पी कितना है, आपका 1200 है, आपका रेट कितनी है 12 है, आपकी टाइम कितना है 3 ईयर्स है अपॉन आपका 100. आपकी 0 से 0 कट हो गए 2 जीरो से. ठीक है, 12 3 जा 36 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 2 1 2 3 जा 6 7 आया आपका, देन मल्टीप्लाई 6 एंड 3 तो आपका आया 12 एंड 13 एंड 1 गया 4 432. तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आया 432. 432 क्या आया कि 1200 रुपीस आपने बैंक में जमा किए, तो उसको 12% हर साल का, एक साल में 12% आपको 1200 में 1200 का इंटरेस्ट मिलेगा. तो वो 3 साल तक कितना मिलेगा आपको, अगर 3 साल तक जमा रहे तो आपको वो नहीं मिलेगा 432 आपको रुपीस रिटर्न मिले, इंटरेस्ट मिलेगा. अब 432 तो आपको रिटर्न मिलेंगे नहीं, आपका जो मेन मनी है, जो इंटरेस्ट जो आपने जमा किया है, प्रिंसिपल जो आपने पैसा जमा किया है उस पर जो आपका ये इंटरेस्ट लगा है, जो आपका प्रिंसिपल है उसमें आपको ये इंटरेस्ट आप ऐड करेंगे तो आपको
वापस जो मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। तो आपका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट का रूल क्या होता है, एक तो ये आपका रूल हो गया, एक तो ये लर्न करने का आपका, हाँ अमाउंट का आपको होता है प्रिंसिपल प्लस, पूरा लिखना चाहे तो प्रिंसिपल इज बिल्कुल लिख दीजिए, फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्रिंसिपल आपका कितना है 1200 है आपका, और ये आपका कितना है 432। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हुआ आपका, टू हुआ, देन थ्री, 456,162 रुपीज। तो आपका अमाउंट कितना मिलेगा आपको, 1,632 रुपीज हुआ। दस राइट, दस अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू रुपीज 1,632। ठीक है, यहाँ पे ए पार्ट मैंने बताया। सबसे पहले देखिए, इसमें बोला गया था फाइंड द अमाउंट, आपको अमाउंट फाइंड आउट करना था, टू बी पेड एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स, जो अमाउंट हमें 3 साल के बाद मिलेगा। किस केस में, पहला ये है कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन जो हम जमा कर रहे हैं पैसा वो, और 12% पर एनम, हमें जो 12% पे हमें जो बैंक, तो सुना होगा आपने कि बैंक 2% ब्याज देगी, 3% इंटरेस्ट देगी, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये 12% है एक साल का पर एनम, मतलब एक साल का आपको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। पर यहाँ पे वो कह रहा है हमने 3 साल के लिए, हमने जो मनी है, जो प्रिंसिपल ये मनी है वो हमने 3 साल के लिए फिक्स करा है। तो हम सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लें, हमने ये रूल लगाया इंटरेस्ट निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल लिया यहाँ पे, तो आपका कितना है ₹432। अब 432 तो बैंक वापस नहीं करेगी कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट वापस कर दे, वो जो आपका मनी है वो भी तो रिटर्न करेगी। तो आपका मनी कितना था 1200, तो उसने जो मनी रिटर्न किया ये, तो किस रूल से किया उसने, अमाउंट जब लिमिट रिटर्न करेगी तो प्रिंसिपल में जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है, ये वाला इंटरेस्ट जो ये बन रहा है वो ऐड करके आपका मनी वो रिटर्न करेगी। तो असली आपका अमाउंट हुआ द अमाउंट टू बी पेड, कितना पेड करेंगे आप, पेड आफ्टर थ्री इयर्स लिखना है तो लिख लीजिए आफ्टर थ्री इयर्स, लिखा हुआ है कि आफ्टर थ्री इयर्स लिखना है, कितना करेगी रुपीज, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर थ्री इयर्स इज इक्वल टू 1,632। तो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट इज कंप्लीटेड।